नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने के बाद यह राहुल गांधी की पहली विदेश यात्रा है। रविवार को राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में छात्रों से कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। उस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूरोप और भारत समेत कई देशों में रोजगार बड़ी समस्या बन रहा है, वहीं चीन में बेरोजगारी की दिक्कत नहीं है। आगे बोले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान न देने की वजह से बेरोजगारी का संकट पैदा हुआ है। इसी बीच लंबे समय से गांधी परिवार के सलाहकार रहे और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने एक बार फिर राहुल गांधी की जमकर तारीफ की और राहुल गांधी के खिलाफ विरोधियों के पप्पू वाले बयान को लेकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का एजेंडा कुछ बड़े मुद्दों को संबोधित करना है। उनके पास ऐसा विजन है जो बीजेपी द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके प्रचारित किए जाने से विपरीत है। मुझे बताना होगा कि आप वह पप्पू नहीं हैं, वह उच्च शिक्षित हैं, वह किसी भी विषय पर गहरी सोच रखने वाला रणनीतिकार है। आइए अब आपको सैम पित्रोदा का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने राहुल गांधी के लिए टेक्सास में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। सैम पित्रोदा ने आगे कहा कि बीजेपी उनके बारे में बीते 10 सालों से जो कह रही है उसके बजाय मुझे राहुल गांधी पर पूरा भरोसा है। भारत को जुमले की नहीं बल्कि मॉडर्न सोच और युवा नेताओं की जरूरत है। राहुल गांधी का एजेंडा अलग है जो उस चीज पर अधिक केंद्रित है जिसे हम लंबे समय से संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ठीक से संबोधित नहीं कर पाए हैं, और वह है समावेशिता, विविधता का जश्न मनाना। वहीं सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी की तारीफ में कहा, जब राहुल गांधी पिछली बार न्यूयॉर्क में एक बड़ी बैठक में हमसे मिलने आए थे तो उनसे डलास आने की मांग की गई थी और उन्होंने उनसे वादा किया था कि वह अपनी अगली यात्रा के दौरान डलास आएंगे। वह अपना वादा निभा रहे हैं, वह अपनी बात पर खरे उतरते हैं। मुझे खुशी है कि व्यस्त कार्यक्रम से वह 3 दिन की छुट्टी लेकर हमसे मिलने आए हैं, जहाँ वह 1 दिन यहाँ और 2 दिन वाशिंगटन DC में बिता रहे हैं। पित्रोदा के पिछले बयानों के कारण अक्सर बीजेपी को कांग्रेस की आलोचना करने का मौका मिलता रहता है। इससे पहले सैम ने कहा था कि राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की तुलना में अधिक बुद्धिजीवी और रणनीतिकार हैं और उनमें भविष्य के प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण हैं। इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि RSS का मानना है कि भारत सिर्फ एक विचार है। हमारा मानना है कि भारत एक विचार नहीं बल्कि कई विचारों वाला देश है। हमारा मानना है कि हर किसी को सपने देखने का हक होना चाहिए, बिना उनकी जाति, धर्म, भाषा और परंपरा की परवाह किए बगैर उन्हें मौका मिलना चाहिए। सैम पित्रोदा के इस बयान पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल मेरे यानी नगमा इरम के साथ इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।